हेलो एवरीवन, दिस इज राजन हियर फ्रॉम इक्यूनिटी सर्विसेज। आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि कैसे आप अगर फेसबुक पे कोई ऐड क्रिएट कर रहे हैं और वो ऐड को आपने पॉज कर दिया है, तो पॉज करने के बाद में आप वापस से उसे रिज्यूम कैसे कर सकते हैं। तो ये करने के लिए आप आपके फेसबुक ऐप पे चले जाइए और एड्स करके ऊपर बटन दिखता होगा, उस पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे मैनेज करके एक ऑप्शन है, उस पर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे जब आप आएंगे तो लिस्ट ऑफ ऐड आपको वो दिखाएगा, तो इसमें से जो इनएक्टिव ऐड है उसे ही आप रिज्यूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक हमारा ऐड दिखता होगा आपको जो इनएक्टिव है, तो उस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। अभी यही ऐड मैं चाहता हूँ कि मैं इसे रिज्यूम कर पाऊँ। तो ऊपर अगर आप देखेंगे तो एक बटन आ गया है रिज्यूम करके, अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये जो मेरा ऐड जो पॉज हुआ था वो रिज्यूम हो जाएगा। अब रिज्यूम होने के बाद में ये फिर से ऐड रन होने लगेगा और इसका रिजल्ट मैं देख पाऊंगा कुछ टाइम के बाद में। तो इस तरीके से आप आपके कोई भी ऐड को फेसबुक में रिज्यूम कर सकते हैं। अगर ऐसे वीडियो आप और भी चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाएं, जिससे अगर फ्यूचर में हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो आपको नोटिफिकेशन आएगा। थैंक यू।